नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए। जी जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, नूर हमारी एक प्राउड फॉर्मनाइट हैं, 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता हैं और आजकल पाकिस्तान के एक मरूफ न्यूज़ चैनल के साथ हेड ऑफ़ डिजिटल कंटेंट के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। नूर, हमें ये तो पता है कि आपने 2011 से 2015 तक FC कॉलेज में टाइम गुजारा, यहाँ से मैथ्स कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की। इसके बाद की कहानी आप अपनी ज़ुबानी सुनाइए। सर, इंटरेस्टिंग, अगर मैं शुरू करूँ वहाँ से जहाँ से मेरा जर्नलिज्म का सफ़र आगाज़ हुआ था, दैट समवेयर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर। और मेरे नाना, क्योंकि मेरा नाम नूर है, रोशनी इसका मतलब है, तो हमेशा कहते थे मेरी वालिदा को कि ये मेरा वो परिंदा है जिसको उड़ने दो, इसके पंख नहीं काटने। तो शायद उनकी ये बात बचपन से मैं सुनती आई थी, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने को मैं तैयार थी कि मैंने कुछ ना कुछ इसमें करना है। सो मेरी एक्चुअल बैकग्राउंड इज़ नॉट जर्नलिज्म। आई वॉज यू नो, बचपन से लेके FC आने तक मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनने का। सो FC आने से पहले वही जो एक प्रोसेस होता है, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद हमारा MCAT हुआ, मेडिकल कॉलेज के रिजल्ट्स का वेट था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता था, तब तक मैंने FC में भी एडमिशन करा लिया। सो मेरे यहाँ पर मिड टर्म्स चल रहे थे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के, यहाँ FC कॉलेज में, और तब मुझे पता चला कि मेरा आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। सोचा क्या करना है, वालिदा बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं जाऊँ, वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा चाहते थे, समवट नाना की बात जहन में थी और डॉक्टर बनने का शायद यहाँ आकर एक फ्रीडम भी देखी, पढ़ाई किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, लिबरल आर्ट्स थी यहाँ पर, सो यू नो बहुत वैरायटी थी टू ग्रो, टू एक्सपैंड एज एन इंडिविजुअल। तो वो देखते हुए जब मैंने सारा कुछ देखा तो मैंने कहा शायद मैं एक, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्रोफेशन, ऑब्वियसली हाईली रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स, अपनी ज़ात के लिए मुझे लगा कि शायद मैं एक डब्बे में बंद हो जाऊँगी अगर मैं सिर्फ मेडिकल साइंसेस करूँ। सो आई ऑप्टेड फॉर जर्नलिज्म यहाँ आकर, एंड जर्नलिज्म किया, साथ मैंने लिटरेचर पढ़ा माइनर के तौर पर, जिस हद तक हम यहाँ पर यू नो पब्लिक पॉलिसी देख सकते थे, पॉलिटिकल साइंस देख सकते थे, वो चीज़ें की सम वॉट इन लिंक विद जर्नलिज्म के मेरी लिखाई अच्छी हो जाए, हिस्ट्री थोड़ी सी सही हो जाए। उसके बाद यहाँ पर बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद मैंने अपना MPhil किया कनेट कॉलेज से, वो भी मेरा प्रोफेशनल ट्रैक था ऑब्वियसली। वहाँ से MPhil करते हुए मैंने अपनी इंटर्नशिप में करी थी MPhil की, जिसमें आपको पता है कि हम लोगों की वो एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी डिग्री की दुनिया न्यूज़ में, तो मैं दुनिया न्यूज़ में इंटर्नशिप करी थी। दैट्स व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कैपिटल TV और मैंने वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था न्यूज़ एंकरिंग का, मैंने वो ज्वाइन की। मैं भी तो बुनियादी तौर पर आपने अपनी जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसका आगाज़ कैपिटल टीवी से किया था। सो इट वॉज मोर ऑफ एन अगेन अ प्रोफेशनल इंटर्नशिप, नॉट एजुकेशनल इंटर्नशिप, लेकिन शायद वो मेरी प्रोफेशनल पहली इंटर्नशिप थी जो मैं अगर अपनी जर्नलिज्म के आगाज़ की बात करूँ तो वहाँ से थी। फिर वहीं पर काम कर रही थी तो मैंने, मुझे पता चला कि एक्सप्रेस न्यूज़ में ओपनिंग्स हैं, मैंने वहाँ पर अपनी CV जमा कराई, रिवायती तौर पर जाके HR में CV जमा कराई, फिर इंतज़ार किया कि कॉल आएगी, फिर कॉल आई, फिर इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू की मुझे शायद ना पता था कि इस लार्ज स्केल पे इंटरव्यू होगा, इतना लंबा होगा, CV रख कर अंडरलाइन कर करके सवाल पूछे जाएंगे। आई वाज जस्ट यू नो वेरी यंग, बिल्कुल अभी पढ़ाई करके निकली थी। सो आई जॉइंड एक्सप्रेस एज एन इंटर्न, और क्योंकि मेरा जब मुझे जॉब मिली थी वहाँ पर, मुझसे पहले एक लॉट हायर हो चुकी थी, सो सम हाउ मैं थोड़ी सी लेट एंट्री थी इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इंटर्न्स। और ये 2017 की बात है, 2017 अक्टूबर की बात है। सो आई वॉज हायर्ड एज एन अनपेड इंटर्न जबकि बाकी इंटर्न्स वर पेड। सो बिकॉज मैं लेट एंट्री थी, आई एक्चुअली हैड टू प्रूव माई सेल्फ फॉर अनदर 3 months टू गेट दैट पे चेक इक्विवेलेंट टू द अदर इंटर्न्स। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, तब ही होता था कि हम लोगों को वीकली डेस्क मिलते थे, तो मुझे असाइनमेंट डेस्क असाइन हुआ था। असाइनमेंट डेस्क एक ऐसा डेस्क होता है जहाँ पर सारी न्यूज़ आती है, जो भी न्यूज़ चैनल में इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़ आ रही है, इमेजेस, वीडियोस, वो उस डेस्क पे कंपाइल होती थी। सो आई स्टेड देयर फॉर अ गुड हाफ, लाइक 1.5 weeks। वहाँ से फिर मुझे रोटेट करके इंटरनेशनल डेस्क पर भेजा गया। इंटरनेशनल डेस्क से मैं पैकेजिंग में गई, जहाँ पर हेडलाइंस के बाद जो हम एक डिटेलिंग देखते हैं एक खबर की, वो वहाँ पर कंपाइल होती है। सो जब मैं पैकेजिंग में गई तो फिर पैकेजिंग में ही मैं परमानेंट हुई थी, एंड देन आई वाज हायर्ड एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर।
अच्छा ये बताइए कि शुरू की जो ये मुश्किलें थीं और ये जनाब विदाउट सैलरी जो आपने सफ़र किया जी, तो कभी याद नहीं आया कि मैं अगर डॉक्टर ही बन जाती तो अच्छा था? सर डॉक्टर बनने के भी 5 साल बाद ही कुछ होना था, तो फिर इसलिए उस तरह से इंटरेस्टिंग भी था, कुछ अपनी ज़ात से लेके क्वेश्चंस मैंने किए कि डिसीजन सही है गलत है, कोई गलत फैसला तो नहीं मैंने कर लिया, यहाँ पर अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही। बट देन फिर मैं अपने नाना के साथ एक दफ़ा बैठी, मैंने उन्होंने बताया कि मैं अपने नाना को अब्बा जी कहती थी, तो मैंने कहा अब्बा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने यू नो सही चीज़ चूज़ की है। तो उन्होंने कहा कि इन अ फील्ड वेयर यू आर डोंट चूज़ टू बी अ रैबिट, बी अ टर्टल, टेक स्मॉल स्टेप्स। बड़ी खूबसूरत बात की, टेक स्मॉल स्टेप्स एंड इवेंचुअली पहुँच जाओगी जहाँ पहुँचना है। खरगोश की तरह जाना चाहोगी तो मुँह की खाओगी, आराम आराम सर चलो सीखो, दिस इज़ द टाइम यू नीड टू लर्न, क्या तेज़ी है तुम्हें क्या जल्दी है। I was like, ठीक है फिर अब अगर आप इसे कह रहे हैं तो fine, I'll just go by it. So I started learning, taking my time with whatever was happening. जिस तरह चीज़ें आती थी, one by one चीज़ें सीखने को मिली, shifts थी। फिर आपको पता है कि हम लोग अकस्टम भी नहीं होते, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, कभी वो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट, तो कभी मिड शिफ्ट, इस तरह की वो शिफ्ट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। यूनिवर्सिटी के हम बच्चे बिल्कुल निकले हुए होते हैं, तो आपको पता है थोड़े से बच्चे भी ज़रा बागी से होते हैं कि ये करना है नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यूनिवर्सिटी में तो आपको फील्ड की जो सख्तियाँ हैं उसका अंदाज़ा भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। हम तो वो एक टीचर की सख्ती को भी हम कहते हैं 5 मिनट लेट चले जाएंगे अटेंडेंस हो ही जाएगी। न्यूज़ चैनल में तो 5 मिनट लेट के बाद तो कभी कभार वो कहते थे आज की आपकी अटेंडेंस हमने काउंट ही नहीं करनी। आप अब आपको 5-6 साल का मेरे ख्याल है तजर्बा हो गया है, 6 साल हो गए जर्नलिज्म की फील्ड में, आपने झंडे गाड़े और बड़ा नाम कमाया। थैंक यू सर। ये बताइए कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि जर्नलिज्म की जो फील्ड है वो लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में लड़कियों के लिए ये बड़ी चैलेंजिंग है। बिल्कुल। तो आपका कैसा इसके बारे में तजर्बा रहा? सर ये जो बात है ना, ये मैंने अपने 6 साल में या 6-6.5 साल में मैंने शायद कुछ 6,000 दफ़ा सुनी होगी। आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स जट फैमिली, सो मेरी फैमिली में कोई जर्नलिस्ट है नहीं, खातून तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जहाँ पर मैंने इतनी डॉक्टर्स देखी हों या टीचिंग में हो लड़कियाँ या यू नो डॉक्टर्स हों, उधर एक लड़की कहती है एक दिन उठ के कि जी मैंने सहाफ़ी बनना है और मैंने जर्नलिज्म करनी है, तो वो उनके लिए भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बगावत के तौर पे लेते हैं जी, ये क्या कर रही है और इसकी क्या टाइमिंग्स हैं और ये फील्ड ऐसी नहीं है। बट मैं शायद जितने अरसे से हूँ काम कर रही हूँ देख रही हूँ, वो जो कुछ मिथ्स होती है ना सोसाइटी की, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिथ्स। अनटिल एंड अनलेस आप फील्ड में आए नहीं हो, आप काम नहीं कर रहे हैं, हम जजमेंट पास नहीं कर सकते। अभी तक थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आता है वो टाइमिंग्स पर आता है और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली सेटल डाउन हो जाती है व्हेन दे सीइंग यू वर्क। अगर हम ऐसे ही बात करें, आप किसी मेडिकल की फील्ड में हो, वहाँ पर भी नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, वहाँ पर आपकी 24 आवर्स की नाइट कॉल होती है, डे कॉल होती है। सो ड्यूटी तो ड्यूटी है सर, वो सहाफ़त की हो, वो फौज की हो, वो पुलिस की हो, वो डॉक्टरी की हो, वो इंजीनियरिंग की हो, कहीं पर भी आपको इसी तरह ड्यूटी देनी है। So I have not found the field as unsafe for women. I think to me, ये मुझे बहुत ज़्यादा liberate किया है इस field ने, मुझे अच्छा। बहुत ज़्यादा आवाज़ दी है इस field ने मुझे बहुत ज़्यादा confidence दिया है, बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस दी है। बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद मुझे पता भी नहीं थी कि मेरे में ये हुनर है, जो मुझे शायद इस field में रहते हुए काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता जाकर, वो कहते हैं ना छोटे छोटे वो boxes टिक करके मुझे समझ आई है कि यू नो ये वो चीज़ें हैं। सो बिल्कुल माशरा यही कहता है, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोगों ने मुझे बातें की थी कि ये फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, सेफ़ नहीं है। वो एक जो सोसाइटी की प्रेशर है कि रिश्ते पता नहीं कैसे आएंगे, क्या होगा, आएंगे कभी नहीं आएंगे अच्छे रिश्ते, इन इन्वर्टेड कॉमास से। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसे कोई मसले में नहीं हूँ फेस नहीं किया। आमतौर पे ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है ना जी माशरे में, कि कुछ शोबे हैं जो ख़वातीन के लिए अच्छे हैं, बेहतर हैं, और कुछ शोबे ऐसे हैं जो बड़े चैलेंजिंग हैं, और वहाँ पे जो ख़वातीन काम करती हैं शुरू में उनको बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट फेस करनी पड़ती है अपना नाम बनाने के लिए, अपना मकाम बनाने के लिए। तो चलें आपकी ये स्टोरी जो है ये एक सक्सेस स्टोरी हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इनक्रेजिंग होगी। तो अच्छा आप जर्नलिज्म के साथ साथ टीचिंग भी कर रही हैं? बिल्कुल।
और टीचिंग में आपने कुछ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। वो जो कहते हैं ना कि जिन कुर्सियों से पढ़कर आप निकले हो, उधर ही ऑपोजिट साइड ऑफ द क्लास खड़े होना, बिल्कुल बात करना, मुझे आज भी याद है। मैंने एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग था सर, आपको पता ही होगा FC में एक यूनिवर्सिटी 100 के नाम से कोर्स होता है। जब आप फ्रेशमैन आते हैं आप वो कोर्स पढ़ते हैं। बिल्कुल। ई ब्लॉक में रूम 105 में मैंने यूनिवर्सिटी 100 का कोर्स पढ़ा था, और जब मैंने अपनी प्रोफेशनली टीचिंग शुरू की थी उसी क्लास में सेम टाइम पे मैंने अपना पहला लेक्चर लिया था एज ए टीचर। जबरदस्त। सो जब मैं वहाँ जाके खड़ी हुई हूँ और मैंने अक्रॉस द टेबल जाके स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था इन टर्म्स के यही वो कुर्सियाँ हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि मैं शायद टेबल के इस तरफ भी खड़ी हो सकती हूँ। जब वहाँ बैठती थी तब शरारतें भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, मजाक, गुस्सा, हर चीज़ होती थी एज अ स्टूडेंट इज, बट स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड मेड मी रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स When you stand on the other side, जब आप देखते हैं कि इतने सारे बच्चों का फ्यूचर इज affiliated with you, even if it's 1 hour, even if it's those 50 minutes, वो 50 मिनट आप इस तरह गुजारते हैं कि आप हर मिनट के लिए जवाब दें हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ाना है, एटलीस्ट अगर बहुत कुछ नहीं आप तब्दील कर सकते तो उस क्लास के एंड पे वो एक भी उनमें से उठ के कह देना कि द लेक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको लगता है कि टुडे यू डन समथिंग रियली फुलफिलिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड ट्राइंग टू चेंज इट। तो मेरा बहुत मुझे बहुत ज़्यादा था कि सर जब मैं पढ़ रही थी तो एक डिफरेंस था एजुकेशनली और प्रोफेशनली, तो मुझे वो डिफरेंस या वो जो गैप को ख़त्म करने के लिए मेरे लिए ये था कि मैं टीचिंग में आऊँ और मैं आकर वो चीज़ें सिखाऊँ या उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ जो शायद उस हद तक या उन इन डेप्थ हमने जाके नहीं पढ़ी थी बिकॉज ऑफ यू नो जो प्रोफेशन में और एजुकेशन में एक गैप है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अक्सर ये कहा जाता है कि मीडिया की फील्ड में और एजुकेशन में गैप है, तो इस गैप को कवर करने के लिए चूँकि अब आप टीचर भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं या कैसे इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं? सर मैं जब पढ़ रही थी तब, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो तब मीडिया सेंटर नहीं था। मैं इस वक्त एक मीडिया सेंटर में बैठी हुई हूं। अगर ये तब होता और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग अब बच्चों को मिल रही है हमें भी तब मिली होती, हम बहुत वेल इक्विप्ड होते फील्ड के लिए। हम लोगों ने शायद उतनी अच्छी तो मैं खैर मैं ज़्यादा करूँगी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमने भी पढ़ाई की थी, बट somehow मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली इन लिंक किया जाए, टीचर्स भी बच्चों को प्रोफेशनली लिंक कराएं, कंटिन्यूस टूर्स कराएं न्यूज़ रूम्स के, न्यूज़ रूम में जो लोग काम कर रहे हैं या जो प्रोग्रामिंग के लोग हैं या जो लोग डिफरेंट वो डिजिटली काम कर रहे हैं इन एनी न्यूज़ चैनल, उनको बुलाएं, उनसे आकर लेक्चर्स कराएं, बच्चों के एक फ्रीक्वेंट विजिट्स कराएं, ताकि जब बच्चा एक दफ़ा उस प्रोफेशनली उस एनवायरनमेंट में जाके बैठे तो वो अपने आप को एलियन ना समझे, उनके लिए लैंग्वेज सेम हो, उनके साथ वो लैंग्वेज बोली जाए बाय टीचर्स एंड बाय प्रोफेशनल्स हु कमिंग हियर हु टीचिंग देम। तो ये वो जो गैप है ये ऐसे ही ख़त्म होगा जब दोनों साइड्स, बी एट द प्रोफेशनल्स हु आर इन द फील्ड एंड बी एट द टीचर्स, ये आपस में वो बहुत ज़्यादा पक्की वाली सुलह करें और फिर ये कहें कि हमारी दोस्ती ही है जो आगे स्टूडेंट्स को आगे लेके जाएगी। सो आई थिंक अब आकर मैं खुद भी देखती हूँ कि FC में बहुत लेक्चर्स हो रहे होते हैं, प्रोफेशनली लोग आकर बात कर रहे होते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। मीडिया सेंटर एक खुद बहुत बड़ी एग्जांपल है, हमारे टाइम पे कहीं पे भी ग्रीन स्क्रीन का कोई यू नो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एक 3 कैमरा क्या। FC कॉलेज जो है ना जी वो तरक्की की राहों पे गामजन है। आप देखती हैं आपका बाहर का भी एक्सपीरियंस है के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और ख़ुद करके जो कुछ आदमी सीखता है उसका नेमुल बदल नहीं बिल्कुल होता नहीं है, बिल्कुल। तो आपने जो अमेरिका में एक ट्रेनिंग ली वो मेरे ख्याल है कि 2019 में आप अमेरिका गई थी, तो वो क्या ट्रेनिंग थी उसके बारे में मुख्तसर सा बता दीजिए। स्टेट डिपार्टमेंट एफिलिएटेड प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के साथ। सो वहाँ पर ये होता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में से 10 जर्नलिस्ट सेलेक्ट होते हैं एंड देन दे गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर हम सेंट लुइस, ओक्लाहोमा सिटी इन इटसेल्फ सेंट लुइस, और उसके बाद वॉशिंगटन में हम रहे थे,
वहाँ के डिफरेंट मीडिया सेंटर्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हमने विजिट किए, देखा वहाँ पर काम कैसे होता है, किस तरह से वो जो है न्यूज़ को कैरी करते हैं. उसके बाद उसी से रिलेटेड वहाँ पर ऑब्वियसली म्यूज़ियम है, फिर उनके अपने डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने न्यूज़ को प्रिजर्व कैसे किया है. हम तो शेल्फ़ लाइफ की बात करते हैं ना खबर की, उन्होंने तो इन इट सेल्फ न्यूज़ को प्रिजर्व किया हुआ है. पूरी पूरी एग्जांपल्स रखी हुई हैं लोगों के आगे कि यू नो दे शुड कम एंड विजिट एंड सी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ था तो उसमें खबरें क्या लगी थी. मैं म्यूज़ियम अब बंद हो गया हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर वॉशिंगटन में ये था. सो इट्स अ म्यूज़ियम बेस्ड ऑन न्यूज़, इसीलिए म्यूज़ियम नाम है उसका. सो जब हम मैं वहाँ से चल रही थी तो वहाँ पर चौथी अखबार जो बाहर लगी हुई थी वो डॉन की थी, और डॉन की उन्होंने फ्रंट पेज लगाया हुआ था स्टेटिंग के पूरी दुनिया की अखबारें हमने यहाँ लगाई हुई हैं. तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर उन्होंने लगाई हुई थी खबरें पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, किस तरह से न्यूज़ ब्रेक की थी. तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि पाकिस्तानी अखबारें मुझे कहाँ नजर आएंगी, तो वहाँ पर जंग भी लगी हुई थी जो हमारी उर्दू की जंग है, वो अखबार लगी हुई. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का भी मौका मिला? स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन थी, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन थी, और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके समझ आई कि जिस तरह अभी आपने ऑलरेडी बात की है कि जो खुद हैंड्स ऑन चीज की जाए उसका कोई नेमल बदल नहीं है. तो ये वहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर बहुत एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली काम भी कराया जाए. आप थ्योरेटिकल तो उन्हें बता ही रहे हैं, आप उसके साथ साथ उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, वो प्रोफेशनली ख़ुद फिल्म मेकिंग करें, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करें, न्यूज़ रिपोर्टिंग करें, तो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. और वो बहुत एक कैरेक्टर बिल्डिंग भी अपने आप में होती है. प्रोफेशनल बिल्डिंग तो हो ही रही है लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत तरीके से होती है. तो दैट वॉज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी, वेरी इनरिचिंग फॉर मी कि मैं फील्ड में आकर अब आ रही हूँ. काश पहले आई होती तो शायद और डिफरेंट तरीके से इंडस्ट्री में काम कर सकती. एफसी कॉलेज के मोटो बाय लव सब वन अनदर को जी बिल्कुल बड़ा अच्छा समझते हैं. तो आप इस मोटो को कैसे देखती हैं, और चूंकि इसका एक मतलब खिदमत खल्क है, बिल्कुल, तो इस खिदमत खल्क में गुंधे हुए जुमले को कैसे आप सर हमारे लिए तो बड़ा ज़रूरी था कि जो सीख रहे हैं वो आगे सिखाएं. और मैंने यहाँ पे भी यही देखा था कि टीचर्स ने जो सीखा था वो उन्होंने हर तरह से हम स्टूडेंट्स को सिखाया कि जिस हद तक वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हमें कर सकें, सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. मेरी भी अब कोशिश यही है कि वो बी एड फ्रॉम टीचिंग या फिर मैं प्रोफेशनली जिस तरह से काम कर रही हूँ, मैं जो सीख रही हूँ वो मैं आने वाली जनरेशन को ज़रूर सिखाऊँ. फिर मैं बिल्कुल वो इदारे में इस तरह से नहीं हूँ कि जी मैंने नए बच्चे को नहीं सिखाना. मतलब आई एम वेरी फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ वर्क कि नए बच्चे आ रहे हैं, ज़रूरी है कि वो हमारे से सीखें, हमारा एक्सपीरियंस लें. यही चीज़ लेकर मैंने टीचिंग शुरू की थी कि मैं जो अभी यंग बच्चे हैं जिन्होंने फील्ड में आना है, जो इंस्पिरेशंस ढूंढते हैं, जो शायद वो कहें ना कुछ रिलेटेबल शक्लें ढूंढते हैं कि अगर ये आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं, हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, यही चीज़ देख के बड़े हुए हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि एटलीस्ट मैं इस साइकिल को कंटिन्यू रखूँ कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये ना रुके. फिर वो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू हो, वो मेरी टीचिंग के थ्रू हो, हाउएवर आई कीप द साइकिल गोइंग इन टर्म्स ऑफ दैट. आई थिंक अभी तक एक छोटे लेवल पर खिदमत इसी तरह कर रही हूँ कि बच्चों को सिखा सकूँ, पढ़ा सकूँ, जो खुद ट्रेनिंग ले रही हूँ उनमें ट्रांसफ़र कर सकूँ, और आगे आई होप फ्यूचर में प्रॉपर लिख कर कोई अच्छे काम कर सकूं, कोई सेंटर खोल सकूं, यू नो समहाउ थिंग्स आर इन माय हेड, लेट्स सी कि आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या उनमें से होता है. बट या अभी तक तो ट्राइंग टू डू दैट. थैंक यू वेरी मच नूर, आपने आज के लिए टाइम निकाला. थैंक यू. नाज़रीन खिदमत खल्क की इसी खुशबू के साथ अपने मेज़बान सलीम अब्बास कैसर को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.